हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बिहाइव बुक की एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। दिस पोएम इज़ अ बैलेड। बैलेड मतलब होता है ऐसा सॉन्ग या ऐसी पोएम जो आपको एक स्टोरी नैरेट करे। ठीक है, बैलेड में जितने भी स्टैंजाज होते हैं उन सब में चार लाइन्स होती हैं। ठीक है, ये पोएम एक बैलेड है और हमारे पास 16 स्टैंजाज हैं। ओके, और हर स्टैंजा में चार लाइंस हैं। ठीक है, सो बैलेड इज अ पार्ट ऑफ फोक कल्चर, मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है। इस पोएम में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड का मतलब है द रीजन ऑफ नॉर्थ पोल। समझ आया? इस पोएम में हम नॉर्थ लैंड के बारे में एक ट्रेडिशनल स्टोरी पढ़ेंगे जो नॉर्थ लैंड के एल्डर्स अपने बच्चों को बेसिकली सुनाया करते हैं। समझ आ गया? ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा इज अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड मतलब नॉर्थ पोल वाला रीजन। ठीक है, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दे कौन है यहाँ पर? वो लोग जो कि नॉर्दर्न रीजन में रह रहे हैं। सो पोएट इज सेइंग हियर के दूर कहीं नॉर्थ लैंड में दिन बहुत ही छोटे होते हैं और रात बहुत लंबी। वहाँ पर दिन छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ की पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है। नॉर्थ पोल में सन रेस काफ़ी कम टाइम के लिए आती हैं, इस वजह से वहाँ पर दिन काफ़ी छोटे होते हैं और रात लंबी। और विंटर्स के समय में रात इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि लोग सोते हैं, वो थोड़ी देर में उठ जाते हैं, स्टिल वो देखते हैं कि अभी भी रात हो रही होती है। सो पोएट इज ट्राइंग टू से कि रात वहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows. Harness मतलब होता है बांध देना। Swift का मतलब something which runs very fast. और reindeer is the type of deer जो कि polar regions में पाया जाता है। ठीक है, Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि जब नॉर्दर्न रीजन में मतलब नॉर्थ लैंड में स्नोफॉल होती है तब रेंडियर्स को स्लेजेस से बांध दिया जाता है और स्नोफॉल के वक्त बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि वो बियर के बच्चे हैं क्योंकि वो ठंड की वजह से इतने फरी क्लोथ्स पहन लेते हैं जिनको देखकर लगता है कि वो इंसान के बच्चे नहीं बल्कि बियर के बच्चे हैं। सिंपली पोइट ये कहना चाहते हैं कि नॉर्थ लैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, They tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब यहाँ पर they कौन है और them कौन है? They मतलब North Land के elders, मतलब वहाँ के parents, और them मतलब younger generation है जो बच्चे हैं. So they tell them a curious story. I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. पोइट इज सेइंग कि नॉर्थ लैंड के एल्डर्स अपने बच्चों को एक कहानी सुनाते हैं। पोइट इज सेइंग कि मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच है, लेकिन अगर मैं आपको सुनाऊंगा तो डेफिनेटली आपको इससे एक लेसन मिलेगा। ठीक है, वंस व्हेन गुड सेंट पीटर लिव्ड इन वर्ल्ड बिलो। गुड सेंट पीटर कौन है? डिसिपल ऑफ जीजस क्राइस्ट। ठीक है, वो जीजस क्राइस्ट के चेले थे। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Preaching मतलब होता है धर्म उपदेश देना। So poet is saying जब good Saint Peter इस धरती पर रहते थे और वो जगह जगह जाके धर्म उपदेश दिया करते थे तब की ये कहानी है। Okay? He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on hearth. Hearth is fireplace. पुराने ज़माने में हमारे पास ऐसे electrical equipments नहीं हुआ करते थे जैसे आज है, microwave है, oven है। तो पहले के ज़माने में hearth में ही जितने भी baking वाले काम होते थे वो सब वहीं पर होते थे। So when good Saint Peter was traveling the whole world, he was preaching, तब इस दुनिया में घूमते घूमते वो एक गेट पर पहुंचे। ठीक है, देयर वाज अ कॉटेज और उसके गेट पर वो खड़े हो गए
उन्होंने देखा देयर वाज द लिटिल वुमन जो कि केक्स बना रही है, ठीक है, एंड शी इज बेकिंग केक्स ऑन द हर्थ, फायरप्लेस में उन केक्स को बेक कर रही है. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट मतलब होता है वीक, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. सो गुड सेंट पीटर वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज ट्रैवलिंग द होल वर्ल्ड, इस वजह से वो बहुत थक चुके थे, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और अब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे. तो उस कॉटेज के गेट पर जाकर उन्होंने देखा कि एक लेडी केक्स बेक कर रही है. तो गुड सेंट पीटर ने उस लेडी से कहा कि मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया है, नाउ आई एम सो टायर्ड एंड हंग्री टू, आई एम फीलिंग सो वीक, तो आप मुझे जो भी आप केक्स बेक कर रहे हो ना उनमें से एक केक दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे. सो वो लेडी इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी कि जो केक्स उसने पहले से बेक करके रखे थे उनमें से एक भी गुड सेंट पीटर को नहीं दिया. शी स्टार्टेड बेकिंग अनदर केक, वो एक छोटा सा केक बेक करने लग गई. जब वो केक बनकर तैयार हो गया तब उसने केक की तरफ देखा और सोचा कि दिस केक इज टू बिग टू गिव अवे, मैं इतना बड़ा केक थोड़े ना किसी को दे सकती हूँ. देयरफॉर शी नेडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन. नेड मतलब होता है आटा गूंथना, ठीक है, फ्लावर से डो बनाना इज नेडिंग. सो देयरफॉर शी नेडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. फिर जब उसने देखा कि ये तो काफी बड़ा है, मैं नहीं दे सकती ये गुड सेंट पीटर को, उसने दोबारा से एक केक बनाया जो पहले वाले से छोटा था. जब वो केक बेक हो गया फिर उसने देखा कि ये तो पिछले वाले जितना ही बड़ा लग रहा है मेरे को. देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो, स्क्रैप मतलब होता है छोटा सा टुकड़ा. देन शी टुक अ टिनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट. तो उस लेडी ने देखा कि कितना छोटा मैंने केक बनाया था लेकिन ये तो मुझे पुराने वाले जितना ही बड़ा लग रहा है, मैं ये गुड सेंट पीटर को नहीं दे सकती. उसने डो से एक छोटा सा पतला सा पीस उठाया और उसे रोल किया किया किया, बहुत ज़्यादा रोल किया, एकदम फ्लैट कर दिया और उसे वेफर बना दिया. लेकिन वो उस वेफर को भी गुड सेंट पीटर को नहीं दे पाई. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ एंड येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ. उस लेडी ने सेंट पीटर से कहा कि जब ये केक्स मैं खुद खाती हूँ तब ये मुझे बहुत छोटे लगते हैं और जब किसी को देने की बारी आती है तब ये अचानक से मुझे बड़े लगने लग जाते हैं. ऐसा बोलकर जो दो केक्स उसने बेक किए थे और एक वेफर, उन सभी को शेल्फ पर रख देती है और उनमें से एक भी गुड सेंट पीटर को नहीं देती. Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब good Saint Peter को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा वो थके हुए थे, he was hungry, he was weak, क्योंकि पूरे world में वो travel कर रहे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया उस लालची औरत पर, ठीक है? उस lady की इस हरकत ने good Saint Peter को provoke कर दिया, ठीक है? And he said, "You are far too selfish to dwell in human form." Dwell मतलब होता है to live. And he said, "You are far too selfish to dwell in human form to have both food and shelter and fire to keep you warm." Good Saint Peter उस lady से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा selfish हो. तुम एक human की तरह इस दुनिया में exist करना deserve नहीं करती. तुम बहुत selfish हो. भगवान ने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, फायर दिया ताकि तुम आराम से रह पाओ, अपनी जिंदगी को जी पाओ, बट स्टिल यू आर वेरी सेल्फिश. नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड. स्कैंटी मतलब होता है बहुत थोड़ा, इन अ स्मॉल अमाउंट.
सो गुड सेंट पीटर कर्स्ड दैट लेडी. ही सेड कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक चिड़िया बन जाओ, क्योंकि तुम ह्यूमन की तरह इस दुनिया में एग्जिस्ट करना डिजर्व नहीं करती. तुम बहुत सेल्फिश हो. तुम एक बर्ड बन जाओ. तुम थोड़े थोड़े फूड के लिए, थोड़े से खाने के लिए पूरे दिन हार्डवर्क करो. पेड़ों के ट्रंक्स में अपनी चोंच मार मार कर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को निकालना, इतना ज़्यादा मेहनत करना, तब तुम्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलेगा. क्योंकि अभी तुम्हारे पास जितनी भी एक्सेसरीज हैं, तुम्हारे पास जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तुम उनमें बहुत ज़्यादा घमंड करने लग गई हो. तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो. तो तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें थोड़ा सा खाना मिलेगा. तुम एक बर्ड की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया था. तो वो लेडी चिमनी से निकलते हुए हवा में उड़ गई. उसे अपनी बात कहने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला. सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया और वो एक woodpecker bird बन चुकी थी. She had scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as coal in the flame. तो जब वो लेडी केक्स को बेक कर रही थी, मतलब जब गुड सेंट पीटर की उससे बातचीत हो रही थी, तब उसने एक रेड कलर की कैप पहन रखी थी. तो गुड सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया कि तुम एक बर्ड बन जाओगी. तब उस लेडी के सारे क्लोथ्स जल गए, ब्लैक हो गए, लेकिन वो स्कारलेट जो कैप पहनी थी वो उसी के सर पर रही. ठीक है. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड. कंट्री मतलब कंट्री साइड, या फिर आप कह सकते हैं रूरल एरिया. तो जितने भी रूरल एरियाज के स्कूल गोइंग बच्चे थे, उन सभी ने इस वुड पैकर को देखा था, जिसके सर पे कुछ रेड कलर का कैप जैसा नजर आता था. ठीक है. तो वो पहले एक लेडी थी ऐसा कहा जाता था, लेकिन गुड सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया, तो अब एक वो वुडपेकर बन चुकी है. और उस वुडपेकर को लगभग रूरल एरिया के हर एक बच्चे ने देखा है कि कैसे वो पूरे दिन थोड़े थोड़े खाने के लिए बहुत हार्डवर्क करती है. तो जब भी वो रेड हेड वाली वुडपेकर बच्चों को नजर आती है, तब वहाँ के एल्डर्स, नॉर्डलैंड के एल्डर्स, बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं कि वुडपेकर जो तुम देख रहे हो ना, ये पहले एक लेडी हुआ करती थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा लालची थी, तो इस वजह से गुड सेंट पीटर ने इसे श्राप दे दिया कि तुम एक बर्ड बन जाओ और यू डोंट डिजर्व टू एग्जिस्ट इन ह्यूमन फॉर्म. इस वजह से इसे श्राप दे दिया गया और ये एक बर्ड बन गई. और देखो अब थोड़े थोड़े खाने के लिए इसे कितना हार्डवर्क करना पड़ता है. मतलब ये स्टोरी बच्चों को बस ये सिखाने के लिए कि डोंट बी ग्रीडी. समझ आ गया. तो जब भी ये वुडपेकर उन्हें दिखती थी, तो वहाँ के एल्डर्स बच्चों को यही कहानी सुनाया करते थे, ये शिक्षा देने के लिए तुम्हें कभी लालची नहीं बनना. ओके. सो दिस वॉज आवर पोएम. आई होप आपको पोएम पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो. आगे आने वाले वीडियोस में हम इस पोएम के सारे लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, साथ में राइम स्कीम देखेंगे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे. तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.